सो वेलकम बैक टू माय चैनल आपे श्रीवास्तव। और आज हम बच्चों को LKG एंड UKG के बच्चों के लिए मैं ट्यूशन के लिए बहुत सारे होमवर्क लेके आई हूँ। सो एज यू कैन सी हियर, ये वर्कशीट्स आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहती है मेरी, इतनी छोटी है कि आप थोड़ी देर में, कुछ ही मिनटों में अपने बच्चों के लिए 10 इंग्लिश वर्कशीट्स बना सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। द फर्स्ट वर्कशीट इज लेट्स अरेंज द वर्ड्स। सो एज यू कैन सी हियर, जितने भी यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं बच्चे को उसको अरेंज करना है। सो बच्चा अरेंज कैसे करेगा, देखिए यहाँ पर ए इज दैट बस। सो कैसे अरेंज हो जाएगा, दैट इज ए बस, दैट इज ए बस। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए आप कैसे हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम राइट करेंगे दैट, दैट इज ए बॉटल। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख लेंगे दैट इज ए हाउस। इसी तरह से नेक्स्ट This is a pencil. So, इस तरह से हम बच्चों को अरेंज करके वर्ड्स को राइट करने की प्रैक्टिस कराएंगे। द नेक्स्ट वन इज सी द पिक्चर्स एंड अनस्क्रैम्बल द लेटर्स। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर बच्चे को लेटर को सही क्रम में करके इसे वर्ड्स को इसे सही वर्ड बनाना है। सो बी एस यू तो बी यू एस बस। इसी तरह से नेक्स्ट वन देखिए सी यू पी कप, जे यू जी जग, एस यू एन सन, बी यू जी बग। तो इस तरह से आप बच्चे को अनस्क्रम्बल द लेटर्स दे सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वन देखिए सी यू पी कप, जे यू जी जग, एस यू एन सन, बी यू जी बग। तो इस तरह से आप बच्चे को अनस्क्रम्बल द लेटर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द इनकम्प्लीट। सो ठीक है, यहाँ पर इनकम्प्लीट वर्ड्स है, बच्चे को इसे कंप्लीट करना है। सो एज यू कैन सी हियर, नेक्स्ट वन फर्स्ट इज बैड। सो बी ई डी बैड, टी ई एन टेन, डब्ल्यू ई बी फेब, एन ई टी नेट और एल ई जी लैग। सो ये हमने क्या कर दिया, इसे कंप्लीट कर दिया। द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी वॉवल्स एंड सर्कल द करेक्ट नंबर। एज यू कैन सी हियर, जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं इनमें कितने वॉवल्स हैं, बच्चे को उसको काउंट करना है और टिक करना है करेक्ट नंबर पे। जैसे फर्स्ट वर्ड देखिए फॉक्स, फॉक्स में ओ इज ओनली वन है, वन वॉवल है, तो हमने वन पर टिक किया है। इसी तरह से हम नेक्स्ट वन करेंगे एलिफेंट। सो एलिफेंट में बच्चा काउंट करेगा वन टू थ्री, यहाँ पर हमें थ्री वॉवल्स दिखाई दे रहे हैं तो हम किस पर टिक करेंगे, थ्री पर टिक करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड ले लीजिए मंकी, मंकी में आपको कितने वॉवल्स दिखाई दे रहे हैं, ओ एन ई, इट मीन्स टू है तो हम टू पर टिक कर देंगे। इसी तरह से डॉग में कितने वॉवल्स दिखाई दे रहे हैं, वन, तो वन पर टिक करेंगे। बनाना में हमें कितने वॉवल्स दिखाई दे रहे हैं, थ्री, देखिए वन टू थ्री ए ए, तो हम थ्री पर टिक करेंगे। इसी तरह से काइट में हमें कितने वॉवल्स दिखाई दे रहे हैं, टू वॉवल्स दिखाई दे रहे हैं तो हम टू पे टिक करेंगे। इसी तरह से हम बकेट को चेक करेंगे, बकेट में कितने वॉवल्स हैं, वन एंड टू, सो हम टू पर टिक करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, वॉवल्स को काउंट करके करेक्ट नंबर पर टिक करना है। नेक्स्ट इज राइट द अपोजिट। सो एज यू कैन सी हियर, जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं उनके बच्चों को अपोजिट्स राइट करना है। तो बिग का स्मॉल, लॉन्ग का शॉर्ट, गुड का बैड, सैड का हैप्पी, इन का आउट, अप का डाउन। सो आप इस तरह से बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं, राइट अपोजिट्स।